हेलो एवरीवन, ट्रू एसएन पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और नेक्स्ट बायोम के बारे में बात करते हैं, जो कि हम लोग ब्रॉडर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट की। हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया है, तैगा और बोरियल बायोम को देख लिया है। तुंद्रा तो हमारा पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया है। आज की डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे टेम्परेट डेसिजुअस बायोम की, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी डिस्कशन में हम लोग टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम को भी कवर कर लें। अब अगर मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक वर्ड आ रहा है डेसिजुअस, इसका मतलब क्या होता है? वो पेड़ जो कि अपनी लीव्स को शेड करते हैं, लीव्स को शेड करते हैं, गिराते हैं एनुअल बेसिस पर हर साल। अभी एनुअल बेसिस का मतलब क्या है? पतझड़ के मौसम में लीफ शेड हो जाएगी, दोबारा जब ग्रो होगी वो होगी स्प्रिंग सीजन के आसपास। एंड जब शेड कर दियो, जब तक ग्रो नहीं होती, तब तक पेड़ क्या करेंगे? बताओ, पेड़ों ने पतझड़ के मौसम में पत्तियां छोड़ दी एंड प्रतन्या स्प्रिंग सीजन के अंदर दोबारा उनकी ग्रोथ हो रही है, तो श्रेया क्या करेंगे तब तक पेड़? कुछ नहीं करेंगे, नंगे रहेंगे। सही तो बोल रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो भाई? ठीक है, अब ये जो डेसिडुअस बायोम है, ये कहां पर आपको मिलता है? ये वाला टेम्परेट डेसिडुअस बायोम, सबसे पहले तो आप एक वर्ड पर फोकस करो आप लोग, टेम्परेट रीजन में। एक चीज को देख लें इसी के साथ, टेम्परेट रीजन ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड होते हैं टेम्परेट रीजन, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक। सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक, ये जो जोन है ये टेम्परेट जोन है। एग्री? ठीक है, पर्टिकुलरली जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना दोस्तों, हम लोग टेम्परेट रीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेट बायोम में और भी चीजों को देखेंगे हम लोग, और भी फॉरेस्ट कवर को देखेंगे। जैसे अभी के लिए हम लोग इस डिस्कशन में देख रहे हैं डेसिडुअस बायोम को, हम रेन फॉरेस्ट बायोम को भी देखेंगे, अगेन देखो ये भी टेम्परेट वाला ही है, और फिर हम एक डेसिडुअस बायोम को एक और देखेंगे। अब आप कहोगे ये भी तो डेसिडुअस बायोम है और ये वाला भी डेसिडुअस बायोम है। हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाला देखेंगे पहले, फिर मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो है उसको देखेंगे। जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में होता है वहां पर एक प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। एंड सिमिलरली मैंने आपको तैगा या बोरियल बायोम के अंदर एक तरह का क्लाइमेट बताया था जिसको हमने क्या नाम दिया था? सब आर्कटिक क्लाइमेट। ठीक है, तो याद रखना हम लोग टेम्परेट बायोम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला टेम्परेट में हमारे सामने जो डिस्कशन के लिए है, तीन तरह के टेम्परेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेम्परेट डेसिजुअस बायोम, उसमें भी दो प्रकार है, एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, फिर एक पढ़ेंगे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाले ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वाले बायोम की बात करते हैं, टेम्परेट रीजन के। गेरा छोटी सी डिस्कशन है इसकी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है, ये वाला हिस्सा जंगलों का, एंड वहां पर जो क्लाइमेट होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ठीक है, यहां की भी जो मिट्टी होती ना, वो दोस्तों याद रखना पॉडजोलिक मिट्टी ही होती है। एंड यहां की जो पॉडजोलिक मिट्टी है ना, ऊपर वाली तो फिर भी शैलो थी कि एक लेयर में बंधी हुई थी, ज्यादा वो नहीं थी, गहरी नहीं थी, लेकिन यहां पर जो पॉडजोलिक मिट्टी कैसी होती है? फर्टाइल की इनफर्टाइल, उसकी लीचिंग ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है लीचिंग, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट गए प्रतन, है ना,
और जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत ज्यादा कि बहुत कम है, बहुत कम है। और ये वाली चीज जो होती है ना दोस्तों, ये जो टेम्परेट डेसिजस बायो में होती है, जो पोडजोलिक लेयर होती है, ये काफी डेप्थ में होती है, और ज्यादा गहरी लेयर होती है इसकी, मिट्टी की, पोडजोलिक मिट्टी की। नेचुरल वेजिटेशन इस तरह के क्लाइमेटिक रीजन में जो पाई जाती है वो होती है डेसिजुअस। डेसिजुअस का मतलब क्या है? ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली, मैंने आपको बताया, वही अगली लाइन यही कह रही है आपसे, जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिराते हैं सर्दियों में। ऐसा क्यों करते हैं पेड़? देखो, सर्दियों में अगर किसी पेड़ के पास, मान लो मैं यहां पर आपको बना के अगर दिखाऊं, नहीं, वो ये लिखा हुआ है रूट्स नहीं, सॉइल, सॉइल मिट्टी, पॉडजोलिक की ना काफी ज्यादा गहरी लेयर होती है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर ग्रे कलर को लेते हैं, हाँ, ऊपर वाले लेयर में जो हमारी जो बोरियल थे उसके अंदर जो पॉडजोलिक लेयर अगर वो इतनी है ना, तो यहाँ पर वो कम से कम ना यहाँ तक होगी, कम से कम इतनी। अगर मैं इसको पॉइंट दूं कि ये 5 मीटर तक गहरी है, मान लो एक एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर थिकनेस के बेसिस पर बोल रहा है वो आपको कि यहाँ कम से कम 25 मीटर गहरी मिलेगी आपको ये, ठीक है? यानी कि कुछ ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं वेजिटेशन वगैरह में, इसका मतलब है ना। अगर ऐसा ही है तो ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं, इसका मतलब दोनों जगह पर पेड़ पौधे बर्बाद ही हैं, इसका मतलब है ना। अब क्या है, ये जो ट्रीज हैं वो बोल रहे हैं इट दे शेड देयर लीव्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डेसिजुअस। तो मान लो कि यहाँ पर ये जो है, ओके, ये हो गया। अब क्या होता है, अगर जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी, ओस जम जाएगी, बर्फ की चादरों से ढक जाएंगे। तो पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को पतझड़ के मौसम में पहले ही गिरा देते हैं, बाद में क्योंकि गिरा नहीं पाएंगे, अगर वो सख्त बन गए, बर्फ जम गई, ओस जम गई अगर उनके ऊपर। एंड ये पेड़ क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ आ फिनोमेना कॉल्ड एज एडेप्टेशन। किस चीज से एडेप्टेशन भाई? दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द विंटर स्नो एंड अगेंस्ट ओस फ्रॉस्ट, समझ गए? ये देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये ऐसे नहीं बनना चाह रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनना चाह रहे हैं पेड़ जो है ना, ये अपनी पत्तियां पहले ही छोड़ देते हैं ज्यादा। अब देख रहे हो, मैं 1 मिनट का रीजन यहां पर अगर आपसे प्रॉपर तरीके से मार्क करूं कि कहां गए, डेसिजुअस, जब ये मौसम आता है ना पतझड़ वाला, पत्तियां पहले ही गिरा चुके होते हैं कि कोई बात नहीं भाई, बर्फ जमेगी, ब्रांचेस भी जमेगी, पत्तियों पे नहीं जमनी चाहिए। पता है क्यों? अगर पत्तियों पे बर्फ जमने लग गई ना, एक तो देखो ये रीजन टेम्परेट है, यहाँ पे हल्की फुल्की धूप आती है, आपको भी पता है ना, धूप आती है, बारिश भी होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल के साथ साथ है, थोड़ा सा बॉर्डर पे है ना, एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, ठीक है भाई, सर्दियों में बर्फ पड़ेगी, ओस जमेगी। लेकिन फिर आप ये भी तो सोचो, ऐसे तो कोई पेड़ पौधा श्रेया पनप ही नहीं पाएगा, सारे हर एक विंटर सीजन के बाद सड़ सड़ के गल गल के नीचे गिरे होंगे। सर्दियों में हमारी बालकनी में प्रदर्निया जितने भी पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं सब ऑलमोस्ट सारे खत्म हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर दोबारा खाद वाद डलवाकर या नए पेड़ पौधे लगवाने पड़ते हैं, है ना, बहुत मुश्किल है कोई पनप पाए। उसके बाद शेडिंग जो होती है, ठीक है, वो ऑटम में शुरू होती है, इसको कहते हैं फॉलिंग सीजन, जब पत्तियां गिरती हैं, एंड ग्रोथ जो होती है दोबारा पत्तियों की, वो स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट हो जाती है। सर्दियां गई तो बस, जो स्प्रिंग, जैसे मतलब मान लो हमारे जो होली के बाद के आसपास का जो सीजन पड़ता है अभी जो चल रहा है, इस टाइम पर पत्तियां फिर से उग जाएंगी। इस रीजन में भी ऐसा ही होता है। कॉमन स्पीशीज कौन कौन सी हैं पेड़ों की, इसको देखते हैं। एक है ओक का पेड़,
ये है ओक पेड़, ये देखो पूरी तरीके से घिरा हुआ है, देख रहे हो, मतलब आप इसके नीचे बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो उसके शेडो में। एल्म पेड़, एल्म ट्री की है एल्म ट्री, ठीक है। उसके बाद है एश ट्री, ये एश ट्री है। उसके बाद बर्श ट्री, ये बर्श ट्री होता है, ये थोड़ा सा हायर लेवल जो होते हैं ना माउंटेनियस रीजन, ये उसमें पाया जाता है। एंड बर्श ट्री से हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, एक चीज थी जिससे मैन्यूस्क्रिप्ट पहली बार बनी, बर्च बार्क। क्या होता है श्रेया प्रदन्या के, दिखा देता हूँ, जो इस पेड़ की देखो, इस ये पेड़ है, हम लोग क्या करेंगे श्रेया, चाकू लेकर पहुंच जाएंगे, ठीक है, इसको छीलेंगे। जब इसको छीलेंगे ना तो हमारे सामने, एक मिनट, बर्च बार्क, हमारे सामने ये आएगा, इसका निकला हुआ ऐसा हिस्सा, ठीक है। इसको हम सुखाएंगे, क्लीन करेंगे, जो भी करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, ऐसे करके पूरा छिला हुआ आ जाता है। चाकू लेकर गए, ऐसे करके इसको छील लिया। इसी पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, ये पहले हिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे सिक्स क्लास के एनसीईआरटी के जब लेक्चर्स वगैरह आप लोगों को दूंगा तो बर्च बार्क के बारे में आप सुनोगे वहां पर। तो ये भाई बर्च बार्क है, हिमालयन रीजन में पाई जाती थी, वहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, ठीक है। ये हो गया बर्च। फिर एक है बीच, बीच ट्री, ये रहा। इसकी लीव्स भी अलग अलग कलर की होती हैं, जैसे ये ठीक है। हर्षप्रीत, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार के पेड़ पत्तियां? हर्षप्रीत आवाज आ रही है? इस प्रकार की जो पत्तियां होती है कहाँ पाई जाती हैं? कनाडा, अब बोली सरदारनी। फिर है पॉपुलर पेड़, पॉपुलर नहीं, पॉपुलर पेड़। अभी जो पॉपुलर है ना, आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से कोई हेयर ड्रायर मार रहा है और ऊपर की तरफ उड़ रहा है, जैसे किसी बंदी के बाल उड़ रहे हो, ठीक है। इसका एक एरियल, अगर आप दूर से अगर इसको देखोगे ना, इसका मैक्रो व्यू कुछ ऐसे ही लगता है, देखना कि जैसे लग रहा है ना नीचे तो कोई हवा मार रहे हो, ऊपर की तरफ उड़ रहे हो, जैसे ये ऐसे ही होते हैं, लग रहा है ना। इसकी पत्तियां देखिए श्रेया की, इसकी जो ब्रांचेस वगैरह ऊपर की तरफ जा रही हैं शायद से, हाँ। तो उसको थोड़ा सा कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो ये इसकी जो ब्रांचेस है ना, ये एंटी ग्रेविटी की तरफ भगती हैं, पोस्चर ही इसका क्योंकि ऐसा होता है, ऊपर की तरफ झुका नहीं हुआ है, देख रहे हो कहीं से भी पत्तियां ऐसी ऐसी टहनियां झुकी नहीं हुई है, ऊपर की तरफ भाग रही है, ये चीज है। तो ये पॉपुलर पेड़, ओके, ये चीज कवर हो गई हमारी। इसमें तो कोई दिक्कत, आई थिंक एक सिंगल डाउट भी आप लोगों को नहीं आया होगा, इजी है। अब बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम की। टेम्परेट रीजन में मिलेगा रेन फॉरेस्ट, और ज्यादा हो सकता है पत्तियां वगैरह यहां पर हमें और ग्रीन मिले, बारिश भी होती हो यहां पर, बिल्कुल होगी, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात है, इस टॉपिक को स्टार्ट जब हम करेंगे तो पहली लाइन इसकी यही बोलती है, इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज ना, पूरी दुनिया में, मतलब टेम्परेट रीजन में, आउट ऑफ ऑल द बायोम्स जितना भी हम पढ़ रहे हैं, टेम्परेट डेसिजुअस, ठीक है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिजुअस मेडिटेरियन सी के आसपास वाला, जो भी सारे बायोम है उनमें से सबसे कम एरिया टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम का ही होता है। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है, प्रदन्या आपको भी पता है टेम्परेट रीजन में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, ज्यादातर बारिश तो ट्रॉपिकल रीजन में ही होती है ना श्रेया? हॉट एंड ह्यूमिड रीजन तो हम ट्रॉपिकल रीजन को ही कहते हैं, टेम्परेट में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। लेकिन अब टेम्परेट रीजन फैला तो पूरे का पूरा होता है, मतलब पूरे का देखो ना, ये एक ऐसी लेयर में फैला होगा नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड में एक ऐसी लेयर में फैला होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर हर जगह बारिश ही बारिश होती चली जा रही है, ऐसा नहीं है, कम जगह पर बारिश होती है यहाँ पर, तो इसलिए इसका एरिया काफी स्मॉल है, लॉजिकल बात है बस इसमें अंदर, और कुछ जानने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये कहां से लेकर कहां तक स्ट्रेच का, इसका पूरे बेल्ट जो है हमें पूरी दुनिया में कहां देखने को मिलती है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग देखें
तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से लेकर सदर्न अलास्का तक, या सदर्न अलास्का से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अगर आप बेल्ट बना लो, नॉर्थ वेस्टर्न जो कोस्ट है पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। एक बार के लिए मैं आपको पहले क्लियर भी कर देता हूं उसको, वरना से बोलकर समझ में नहीं आएगा। नॉर्थ अमेरिका का मैप ये रहा, इस पे चलते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, परफेक्ट। देखो वो हमसे नॉर्थ वेस्टर्न वाली बात बोल रहा है, यहां पर देखो अब आप लोग, यहां पर है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ठीक है। राइटर क्या कह रहा है आपसे, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट देख रहे हो, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट, इस एरिया में होगा कुछ ये, अलास्का से लेकर ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहां तक कैलिफोर्निया आपको मिलेगा इधर की बेल्ट तक, ये अगर मैं बनाऊं ये यहां आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको ये भी पता है, मैंने ये वाली चीज क्यों बनाई, नॉर्दर्न साइड में भी ये जो टेम्परेट रीजन है नॉर्दर्न साइड में भी है, और इक्वेटर के नीचे सदर्न साइड में भी है। तो सदर्न साइड में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो सदर्न चिली का पार्ट है, चिली कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और उसके बगल में न्यूजीलैंड, ठीक है, यहां पर भी ये कुछ ऐसी जगह है, ये आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर कर देते हैं, इसके लिए आप ऐसा समझ जाओ, ये देख रहे हो इधर आ जाएगा साउथ अमेरिका सदर्न चिली, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया एंड ये न्यूजीलैंड वाला हिस्सा, कुल मिलाकर बस आप ऐसी बेल्ट को समझ जाओ, यहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड हमने बात करी ली, देख रहे हो जो अभी मैंने श्रेय जो पूरा का पूरा बनाया अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक की बेल्ट, यहां आपको देखने को मिलेंगे। बेल्ट और भी होती है, देखो अब आप कहोगे सर ये अफ्रीका वाला पार्ट भी तो दिखा रहा है, ये थोड़ा सा मेडिटेरियन साइड वाला पार्ट भी तो दिखा रहा है, लेकिन देखो बात वही है, मैंने अभी क्या बोला, हम लोग अभी टेम्परेट रीजन में सिर्फ रेन फॉरेस्ट बायोम को पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं अभी, और कोई नहीं। और जरूरी नहीं है कि जो इसने एरियाज दे रखे हो सिर्फ इतने ही हो, क्यों, बिकॉज एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं फिर से, ये ज्योग्राफी में डिटेल में आएगा, राइटर खुद बोल रहा है अभी के लिए हम इसको सिर्फ एनवायरमेंट और इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, तो जितना बस यहां पर जरूरत है उतना ही जानेंगे, ठीक है। एरिया तो चलो साफ हो गया, यहां पर हमें बड़े बड़े कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं, यानी कि इनकी हाइट काफी बड़ी होती होगी, बिल्कुल होती है। एंड कॉनिफेरस का मतलब क्या है, लीव्स नहीं होंगी, क्या होंगी जल्दी बोलो, नीडल, फ्लावर्स नहीं होंगे, क्या होगा, कोन, वो इधर के हैबिटेट में डोमिनेट करते हैं। एंड क्या क्या देखने को मिलता है हमें यहां पर, डॉगलस फिर का पेड़, डॉगलस फिर का पेड़ ये, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न रेड सीडार, ये है वेस्टर्न रेड सीडार पेड़, इसका कुछ इस प्रकार का। फिर है माउंटेन हेमलॉक, माउंटेन हेमलॉक, ये पागल बनाने वाली बातें हैं, सारे पहाड़ी पेड़ जैसी तो दिख रहे हैं। वेस्टर्न हेमलॉक,
वेस्टर्न हेमलॉक, ये भी वही है उसी तरीके का, नीडल है ये, आपको भी पता है ये नीडल है, और इसका जो ये है ये कोन है इसके, ठीक है। और कुछ है, सिटका स्प्रूस, सिटका स्प्रूस, लॉजपोल पाइन, हमेशा श्रेया एक आदत बना लो ब्रदर ने कि कभी भी ये नाम है, इनमें आलस कोई नहीं करना है हमें, ठीक है। एक बार फोन खोल के गूगल पिक्चर्स पर, गूगल क्रोम की पिक्चर्स पर, गूगल इमेजेस पर जाकर हमें देख ले रहा है एक बार के लिए इनको, ठीक है। नज़रों में बस जाएंगी ना तो सबकॉन्शियस माइंड में फिर आराम से स्टोर होके हमें पेपर के टाइम पे याद आ जाता है प्रेशर में ये सब चीज़ें। ओके, अब इन एडिशन टू दीज ट्रीज, ये जो ऊपर हमें पड़े सारी की सारी पेड़ों की स्पीशीज, यहाँ पर मॉसिस और लिचन भी काफ़ी कॉमन है। आई थिंक इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इस एरिया में मिलने वाली परफेक्ट तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है वो। जैसे पेड़ों के ऊपर ना कभी कभार इस प्रकार से ऐसे जम जाती हैं काइयों की तरह, प्रॉपर ये ऐसा, ये इमेज मॉसेस एंड लिचन। अभी क्या करते हैं बताओ, ये क्या पेड़ों को बर्बाद करेंगे श्रेया, न्यूट्रिशन खाएंगे इनका? इनका जमना प्रधान्य अच्छी चीज है, बुरा संकेत है? देखो अब प्रधान्य तुमने बोला ना, पर अब यहीं से तुम्हारी शुरुआत होती है देखो, ठीक है। ट्रैप हो गई प्रधान्य। इन एडिशन टू दीज ट्रीज, जो मॉसेस और लिचेंस हैं, दे आर वेरी कॉमन, लेकिन ये ना एपीफाइट्स की तरह ग्रो करते हैं। अभी एपीफाइट्स या एपीफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में जरा जान लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एपीफाइट्स या एपीफाइटिक प्लांट्स। देखो कभी कभार कोई भी जो प्लांट है जो दूसरे अन्य प्लांट के ऊपर, एनी प्लांट जो कि किसी अदर प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाए सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, उसको अपनी ग्रोथ के लिए एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए उस पेड़ को। उसको कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट। लेकिन डिस्कशन सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ए प्लांट दैट ग्रोस हार्मलेसली, नुकसान नहीं पहुंचाता ये। अब कैसे नुकसान नहीं पहुंचाता? जब भी कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट को ग्रोथ के लिए सिर्फ यूज कर रहा है अपने फिजिकल सपोर्ट के लिए, और उसको ना वो नहीं कर रहा, वो दो चीजें बताता हूं मैं आपको। इन एपीफाइट्स को हम लोग कहते हैं दे आर नॉट पैरासाइटिक। मान लो प्रधान्या आप ना कहीं से आ रहे हो रात को लेट, ऑफिस वगैरह से, अब आपकी गाड़ी खराब हो गई है, अब मेरे जैसा एक नेक पर्सन जो है वो रुकता है आपको हेल्प करने, और आप कहते हो कि नहीं नहीं यहाँ से चले जाओ, मेरे पापा आ रहे हैं, वो आ जाएंगे, मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, क्योंकि आपको मुझ पर डाउट हो रहा है कि मैं आपको हरेस ना करूँ, छेड़ाछाड़ी ना कर दूँ आपके साथ, या कुछ भी है, ठीक है, जो कि आमतौर पर रात के अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो दिल्ली गुरुग्राम तो श्रेय आप जानते हो ऐसा है कि वहाँ से लड़कियों को नहीं लौंडों को भी रात को डर लगता है, रोड पर अकेले घूमते हो, है ना लौंडे लौंडों को उठा कर ना ले जाए। तो क्या है कि वो आपकी पर्सन हेल्प करना चाहता है, ठीक है।
अब हेल्प करना चाहता है तो प्रधान्य, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए टॉक्सिक है कि हर एक मतलब जो पर्सन आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो आपके अंदर नखरे बढ़ जाएं बेफालतू के लौंडे लपाड़े मुझसे चेप हो रहे हैं, ऐसा है वैसा है. एवरी वन इज नॉट टॉक्सिक फॉर यू, एवरी वन इज नॉट पैरासाइटिक फॉर यू. वो पर्सन एक हम्बल पर्सन है, एपीफाइट है वो बेसिकली. आपको सिर्फ घर तक सही सलामत पहुंचाना चाह रहा है कि आपका जो शरीर है सही सलामत एक सपोर्ट के साथ घर पहुंच जाए, क्योंकि तो जमाना खराब है. अब क्या है, पैरासाइटिक जो सॉरी एपीफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी दो चीजें होती है, जैसा कि मैंने बताया ना वो पैरासाइटिक नहीं है. तो जब भी हम बोलते हैं किसी भी चीज को कि दे आर नॉन पैरासाइटिक यानी कि नॉन टॉक्सिक, अभी के लिए हमने कितना कितना देखा इसको प्रधान्या, जो इसने दूसरे प्लांट के ऊपर जो सपोर्ट बनाया है या इसकी या कुछ भी मतलब मान लो कि इसके ऊपर मकान बनाया जो भी करा है, क्या इसने नुकसान पहुंचाया अभी तक? इसको नुकसान पहुंचाया यानी कि ये बंदा आपके सर के ऊपर आके खड़ा हो गया कि नहीं मैं तो आपकी हेल्प करूंगा जब तक आपके पिताजी नहीं आते, मैं यहीं खड़ा रहूंगा. आपके सर के ऊपर वो खड़ा है, अब आप कह रहे हो चले जाओ यहां से कोई बात नहीं, मतलब वो करके मेरे सर के ऊपर मत खड़े रहो, मैंने तुमसे हेल्प मांगी है क्या, दफा हो यहां से. मतलब यू आर वेरी रूड, एक्सट्रीमली रूड पर्सन, नॉनसेंस बिल्कुल, देहातियों की तरह उससे मतलब जवान लड़ा रहे हो आप हो गए. लेकिन वो हम्बल पर्सन, जेंटलमैन नेचर का, बिल्कुल मेरी तरह, मतलब वो फिर भी हेल्प करने के लिए डटा हुआ, चलो कोई बात नहीं कि दिल्ली खराब है मैं खराब नहीं हूं. अब क्या होगा, अभी तक इसने कुछ हार्म तो नहीं करा इसको, तो नॉन पैरासाइटिक पर्सन की बात क्या होती है, अब इसकी पहचानोगे आप कैसको, इस पर्सन को कैसे? अब पापा का फोन डिस्कनेक्ट हो गया आपके, अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे और बहुत रात होती चली जा रही है और सर्दियों की रातें चल रही है ऊपर से, ये मान लो ठीक है. अब जो पर्सन है वो आपको छोड़ने आया, आप मान गए, लेकिन आपका दिल अभी भी धक 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 कर रहा है, डरे हुए हो आप, ठीक है. वो पर्सन है जो आपको घर तक छोड़ने आया, नंबर वन नॉन पैरासाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो एपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं और वो नॉन पैरासाइटिक नहीं है, हार्म नहीं करेंगे, उनकी एक पहचान होती है, दे हैव नो अटैचमेंट टू द ग्राउंड. इसका मतलब क्या है प्रधान्या, घर के नीचे नहीं छोड़ने आऊंगा कि जानबूझ के आपका एड्रेस चाहता हूं या जो भी है कि घर के नीचे घर दिखा दो अपना, चलो मैं आपको घर के नीचे तक छोड़ने मिलता हूं. आपने बोला आप अपना ब्लॉक का गेट बता दो, एरिया बता दो, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं बाहर तक. नो अटैचमेंट टू द ग्राउंड, आपके घर के नीचे से कि एड्रेस देख लूं ग्राउंड फ्लोर पर आके कोई मतलब नहीं है. दूसरी चीज, नो अटैचमेंट टू अदर न्यूट्रिएंट सोर्स, कि मैंने आपको घर तक छोड़ा, प्लीज यार ऊपर बुला कर यार थोड़ा सा गोदी वोदी में बिठा के कॉफी पिला दो मुझे. न्यूट्रिएंट सोर्स की भी कोई उसकी वो नहीं है, कोई नीड नहीं है उसकी. यानी कि देख रहे हो पता नहीं कंक्लूजन क्या निकला, बंदा ना घर देखना में इंटरेस्टेड था ना ही उसने कॉफी के लिए आपका अप्रोच करा. तो बताओ नॉन टॉक्सिक हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए? पूरी कहानी के अंदर विलन कौन हुआ? तुम. वेरी बैड प्रधान्या. अब यहां पर एक जो बात आ रही है, दो चीजें आप लोगों ने सीख ली अभी तक, एपीफाइटिक अच्छे हैं कि बुरे हैं बताओ? अच्छे हैं, हार्मलेस. एक तो हार्मलेस प्लांट्स हैं और नॉन पैरासाइटिक, मैंने आपको वर्ड बताया, नॉन पैरासाइटिक के मतलब ही बताया, मतलब एपीफाइटिक का नेचर नॉन पैरासाइटिक का होता है और उसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड से कोई अटैचमेंट नहीं है. चलो ये तो हमने एग्जांपल के लिए समझ लिया, लेकिन बंदे बंदियों को एग्जांपल थोड़ी लिख करेंगे पेपर के अंदर. अब इसका मतलब क्या है, अगर ग्राउंड से कोई भी पेड़ अटैच हो जाए तो वो तो मेन प्लांट का न्यूट्रिशन खाएगा श्रेया, और उसको हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं, वीड्स, है ना, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं ना, अगर वो ग्राउंड से अटैच हो जाए, और ग्राउंड से अटैच होगा तो मेन प्लांट का न्यूट्रिशन खाएगा. तो प्रधान्या अगर जो ये बोले आपका घर देख ले और फिर उसके मतलब अटैच हो जाए, वही रोज खड़ा हो जाए वहां पर आकर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, है ना, तब तो वो आपको चेप लगेगा ना, फिर तो वो टॉक्सिक हो गया. लेकिन जब घर ही नहीं देखा और ऊपर आके अप्रोच ही नहीं करा, तो यानी कि ये जो प्लांट होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे जड़े बना ही नहीं रहे, उसके ऊपर टिके हैं. देखो ना, एनी प्लांट विच टेक्स अ फिजिकल सपोर्ट ऑन अनदर प्लांट, उसके ऊपर ग्राउंड पे उन्होंने अपनी टहनी टच नहीं करी है, वो जानते हैं क्योंकि वो उनका घर है, उन प्लांट का घर है वो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो उसके लिए बिलोंग करता है. तो सेकंड प्लांट ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तेरे को मेरी छत पे ही कमरा बनाने बना ले. अब इसको कहते हैं कमेंसलिज्म.
कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? एसोसिएशन। कमेंसलिज्म का मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें एक का तो फायदा हो रहा होता है, इन विच वन डिराइव्स बेनिफिट। प्रधान्या तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ? घर सही सलामत पहुंच गए, लेकिन दूसरे को ना ही किसी प्रकार का बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म। हार्म कैसे? तुमने अपने जो नेल्स एक्सटेंशन करवाई थी वो मुंह पे नोचे भी नहीं मेरे, ठीक है, हार्म नहीं हुआ। बेनिफिट क्या? कॉफी तो पी नहीं पाया मैं, ऊबर तो आई नहीं पाया, एड्रेस तो देख ही नहीं पाया। लेकिन पर्सन का नेचर ऐसा नहीं था, वो नॉन पैरासिटिक था, इसलिए उसने लफड़ाया नहीं। ग्रिजली बियर्स आर द कॉमन मैमल्स फाउंड इन अलास्का। मतलब कौन कौन से, ये एकदम से इन्होंने लाइन लिख दी, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था इनको, इनको यहाँ पर यह बताना चाहिए था एनिमल स्पीशीज कौन कौन सी फाउंड होगी यहाँ पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम के अंदर। तो वो है ग्रिजली बियर्स। क्या होते हैं ये? देखो, जो ऑलरेडी जो वहां पर है ना, जो ऑलरेडी वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, उनको ना बेनिफिट है ना हार्म है। सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा, हाँ सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा, वो हार्मलेस है, ठीक है। लेकिन ऊपर जिसने वो फ्लोर बना लिया उसके, उसको तो बेनिफिट मिल गया ना। तो बस ये चीज है, और जब वो बेनिफिट मिल गया तो ये कह रखे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ग्रिजली बियर्स आर द कॉमन मैमल्स जो कि इस रीजन में फाउंड होते हैं, ये होते हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।